जब भी बिल्डिंग में जाते हैं नीचे, पता क्या लोग बोलते हैं, इनके बेटा बेटी कितने बदतमीज है। लोगों ने आर्टिकल बना रहे हैं कि सुदेश लहरी अपनी बीवी से नफरत करता है, पता नहीं क्या नफरत फैला दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुदेश लहरी। आज मैं मनीष पॉल की शूटिंग पे गया था और वहां पर इतना मजा आया, इतनी अच्छी शूटिंग हुई कि बहुत मजा आया। पता है आपके बारे में कितना गलत बोल के आए मम्मा। क्या यार, आर्टिकल आ गए हुए हैं, लोगों ने आर्टिकल बना दिए हैं कि सुदेश लहरी अपनी बीवी से नफरत करता है, पता नहीं क्या नफरत फैला दिया पूरी दुनिया में। नहीं नहीं, उसको पता है, ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों, ये बस ऐसे ही। वहां पे तो आपको पता है कॉमेडी होती है। एक सेकंड, ये देखो वीडियो। वैसे आपकी लव मैरिज रही थी, हेट मैरिज? आपने पहले बोला यहाँ आके जो बोलना सच बोला, यहाँ मुझे बोलते ना। मतलब यानी कि माहौल कितना अच्छा लगा, बहुत हंस रहे थे वो, हंस रहे थे, मेरी बेइज्जती करके हंस रहे थे। हेट मैरिज कह के आए ने, लव मैरिज नहीं आई है, अरेंज मैरिज तो ही ना पगी। मैं मानता हूँ वहाँ पे मैंने बोला है कि मेरी हेट मैरिज हुई है, मैं अपनी वाइफ को प्यार नहीं करता, पर ये बात मैंने किसी रिश्तेदार को तो नहीं बोली, मैंने टीवी पे बोली है ना वहाँ पे। सारी दुनिया ने सुन लिया न्यूज में, तो रिश्तेदार कमी पापा, रिश्तेदार तो मेरे चार है, अब रिश्तेदारों को बोल दिया करो पापा, पूरी दुनिया को बोल दिया यार। रिश्तेदारों को बोलूंगा वो सब जगह फैला देंगे, मैंने इसलिए मैंने वहाँ पे टीवी पे बोल दिया, पूरी दुनिया को बोल दिया। मेरी बात सुनो, ये ना ऊपर सिर्फ लिखा होता है हेट मैरिज सुदेश लहरी की, अंदर आप क्लिक करोगे ना तो अंदर तो वीडियो कॉमेडी निकलनी। तेरे को लोग पहली बार देखते हैं, वो देखते होंगे शायद, इसका दिमाग नहीं है, लेकिन बाद में जब मिलते हैं तो पता चल ही जाता ना भी दिमाग है। मम्मी एक और बेइज्जती। शिखा तुझे अभी पता ही नहीं और क्या 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 है। क्या कहते बीवीसी तो मैं परेशान हूं ही, बच्चे रोज मारते हैं। अब हाय रब्बा, आज तक पापा हमने ऐसे हाथ भी लगाया आपको? ये लगा दिया उन्होंने, ये आया उसमें। हाँ जी, आपने ये सब बोला ही क्यों लोगों को, तो ये देख, एक सेकंड। और घर में भी आप ऐसी बातें करते रहते हैं अपनी वाइफ से? करने नहीं देते जी, अभी छोटी उम्र में शादी हो गई, बच्चे बड़े हो गए मारते हैं। बच्चे मिलकर मारते हैं मम्मी, बेइज्जती हेट मैरिज, बच्चे भी मारते हैं, पूरी बदनामी यार। अच्छा मेरी बात सुनो, आप नहीं मारते पापा? कब मारा है? तो मैं बोल रहा हूँ आप नहीं मारते, ऐसे कहने से कुछ नहीं होता, वहाँ लाखों लोगों ने देखना और ये वीडियो में पता नहीं कितने व्यूज आने, कमेंट आने। हाँ। कमेंट तो मेरी वीडियो के नीचे आए, कहते वाह जी वाह, हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली को जब उनको भी चाहिए लहरी फैमिली को, हैप्पी हैप्पी कहाँ से आ गया बीच में, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, हैप्पी फैमिली कहते हैं। मतलब पापा खुशहाल फैमिली। अच्छा, 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 खुशहाल। मैं कल का सोच रही हूँ हमको व्यू क्यों नहीं आ रहे। हाँ। अच्छा आपको व्यूज का पंगा पड़ा हुआ मम्मा? पंगा बदनामी होगी, मुझे नीचे जाते शर्म आती है यार। बदनामी है तो लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे। पापा हम जब भी बिल्डिंग में जाते हैं नीचे दोनों, तो पता क्या लोग बोलते हैं, इनके बेटा बेटी कितने बदतमीज है। अरे आपके बारे में बेटा मैं बदतमीज बोल नहीं सकता, ऐसा कभी होता था? वो एक मजाक होता है, कॉमेडी लोगों को हंसाने के लिए। मान लिया कॉमेडी है। हाँ। बच्चों की बेइज्जती कॉमेडी, बच्चों को कहने का हक है यार, माँ बाप का कोई चक्कर नहीं है। बीवी के बारे में उन्होंने पता क्या कहा? कहते चीख चीख के बोलती है, ऊंचा बोलती है, डराती है, बांग को दबाती है। ये बोला मम्मा? कब ऊंचा बोला मैंने? कब बोला ऊंचा? हाँ। बोलो कब बोला मैंने ऊंचा? मैंने वैसे वैसे झूठ बोल रहा है। नहीं, बोलो कब मैं बोला? ना ना, तू ऐसा बोलती है, सबको पता है। देखो कब बोला मुझे बता दो, एक बार बता दो। अरे मैं बोलूंगा ऊंचा बोलते चीजें फेंकती है, आप ऐसा करते हो? देखो ना तो ये ऊंचा बोलती है और ना ही ये मारती है, ये गलतफहमी है आप सबको। हाँ जी, कोई मतलब नहीं, इससे पहले कि ये भी अपनी हकीकत दिखाएं तो आप यही मन कर दो, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों ये हमारी सच्ची में हैप्पी फैमिली है। मनीष पॉल चैनल पे जाइए और मेरी इंटरव्यू जरूर देखिए। शो का नाम है मनीष पॉल पॉडकास्ट। क्या बात है। और मम्मा आपके लिए ये भी बोला है, पैसे भी निकालती है।